अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 और प्रीवियस चैप्टर लाइक चैप्टर 1 हमने पूरा किया है, चैप्टर 2 हमने पूरा किया हुआ है, तो आप उसकी प्लेलिस्ट जो है चैनल पर मौजूद है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, चैप्टर 10 और मैंने कहा चैप्टर 4 को मैं साथ साथ जो है वो करवाने की कोशिश करूँगी आप लोग को, कि कंप्लीट सोल्यूशन आप लोग को मिल जाए। चलिए क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए, फॉर्मूलाज की लिस्ट आपको इस सेट पर नजर आ रही होगी, जो कि मैंने अभी तो लगाई नहीं है, यकीनन वीडियो एडिट करते वक्त लगाऊंगी। लेकिन फॉर्मूलाज जैसे हमें हमने अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया तो बहुत इजीली फॉर्मूलाज हैं, ट्रिक से याद हो सकते हैं। अच्छा, फॉर्मूलाज की नीड क्यों पड़ रही है? देखिए, यहाँ पर आपको इसको एवलेट करना है। इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली साइन 150 किया, कॉस 300 किया और फिर सॉल्व कर लिया। नहीं, आपको पहले फॉर्मूला क्लोज करना होगा। क्लोज क्यों? क्योंकि यहाँ ओपन तो हुआ है। और कौन सा फॉर्मूला? मैं वो फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेती हूँ। अब देखिए, मैंने ये फॉर्मूला जो लिखा है ये बिल्कुल इससे मैच कर रहा है। जो फॉर्मूले की राइट हैंड साइड है वो देखिए, देखें साइन अल्फा, अल्फा यहाँ पर 150 डिग्री है, और फिर कॉस बीटा, बिल्कुल कॉस बीटा, बीटा यहाँ पे 300 डिग्री है। हाँ, ये जो है इसकी जगह चेंज है, लेकिन मल्टीप्लाई में आप भले साइन अल्फा को पीछे मतलब पहले लिख दें और कॉस अल्फा को बाद में लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्या करेंगे कि समझे कि मैं इस क्वेश्चन को दोबारा कॉपी कर रही हूँ। ठीक है, सिर्फ ये काम करूंगी मैं इसमें कि वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग डायरेक्टली भी फॉर्मूला क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला आप पीछे पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला मौजूद है आपके पास बिल्कुल एज इट इज, ऐसा है तो आपको आप इसको इस फॉर्म में लेकर जाएंगे। ठीक है ना, फॉर्मूला क्लोज करेंगे। साइन 300 डिग्री कॉस लो, अनोखा काम कि मुझे अभी, इसलिए मैंने इसे रीराइट किया था ताकि मैं कॉस पीछे लिखूं और साइन बाद में लिखूं, लेकिन नहीं। ठीक है, अब मुझे इसको कट करना है और यहाँ पे कॉस 150 डिग्री और फिर लिखूंगी साइन 300 डिग्री। ओके, अच्छा, अब मैं देख रही हूँ कि भाई ये फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला यहाँ दोबारा रीराइट करूंगी, लेकिन मुझे तो पता है तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूले को कर रही हूँ क्लोज। इन शॉर्ट क्या करने वाली हूँ कि भाई साइन है ना, तो अल्फा की जगह मैं लिख दूंगी 150 डिग्री, सही है, और फिर प्लस बीटा की जगह लिख दूंगी 300 डिग्री, ऐसा ही करूंगी मैं, सही है। और सिर्फ करूंगी नहीं, मेंशन भी करूंगी कि भाई अल्फा बराबर है 150 डिग्री के एंड बीटा है 300 डिग्री, और फिर साइन इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 450 डिग्री, ऐसा ही है बिल्कुल। और आप इसको कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेटर से 450 डिग्री, तो साइन 450 डिग्री आएगा 1। अच्छा, एक तरीका इसका और भी है कि आप उसको, इस नंबर को उस डिग्री में ब्रेक कर दें, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, जो आपको डिग्रीज याद हो, जैसे 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे डिग्रीज आपको याद होती है, 360 डिग्री, तो आप लोग इसको ब्रेक करके भी कर सकते हैं, सही है। चलें, जैसे ये ब्रेक हो रहा है 360 डिग्री में और 90 डिग्री में, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपको पूरा जो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फिर देखिए, अगर ये ब्रेक आप करेंगे साइन 360 डिग्री और 90 डिग्री में, तो फॉर्मूला भी लगेगा अल्फा प्लस बीटा का, यही वाला दोबारा से, और फिर आंसर आएगा तब भी 1 ही आएगा। ठीक है ना, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है, तो ये भी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। पहले आपको क्वेश्चन को कॉपी करना है जैसे करते हैं, लेकिन इस बार आप देखें जो आपकी स्क्रीन पर फॉर्मूले नजर आ रहे हैं, उसमें से जो फॉर्मूला लग रहा है, देखिए कॉस कॉस, साइन साइन और माइनस का साइन कहाँ है, नजर आ गया होगा आपको, वो साइन है कॉस ए प्लस बी में। यहाँ ए प्लस बी लिखा हुआ है, लेकिन उसका मतलब अल्फा प्लस बीटा ही होता है, तो इसका मतलब कॉस अल्फा प्लस बीटा का जो है वो फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, या आइडेंटिटी बोले या जो भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में टर्म यूज कर देंगे। देखिए, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये मैंने फॉर्मूला लिखा, फिर मैंने फॉर्मूला क्लोज कर दिया। कैसे किया भाई क्लोज? कॉस अल्फा प्लस बीटा है ना, तो अल्फा होगा 19 डिग्री एंड बीटा होगा 11 डिग्री, सही है। तो कॉस 19 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, बिल्कुल 30 डिग्री। यहाँ मेंशन कर दें, अल्फा बोले या ए बोले एक ही बात है। मैंने फॉर्मूलाज ना, मुझे ए बी वाले मिले, मैंने ए बी वाले लगा दिए, अब कोई बात नहीं ना, एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, 90 डिग्री एंड बीटा इज इक्वल टू 11 डिग्री। अच्छा, ये कॉस 30 डिग्री हो गया, और कॉस 30 डिग्री कैलकुलेटर से निकालने आ गया होगा √3/2। आ गया
आंसर। इतना आसान है ना, अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का। 3 कौन लिखेगा? 3 लिखना था भाई, चल 3 लिख दिया मैंने, ठीक है ना, एज यू मेट। चलें भाई, अब आपको क्या करना है, कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन है, इसके ये वैल्यू लाएं। तो आपको क्या लग रहा है, इतना आसान है कि cos 75 कैलकुलेटर में करेंगे और ये आ जाएगा? तो आप लोग फिलहाल तो लेफ्ट हैंड साइड तो ले लें, तो बोले भाई ये लें, सवाल टाल लिया मैंने, नजर आ रहा है ना। चले कोई नहीं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, मासूमियत से आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को चूज करना है, ठीक है, जो कि मैंने भी कर लिया लेकिन मासूमियत से नहीं। और फिर उसके बाद जो है आपने क्या लिखना है कि आप ऐसा करें, देखिए इस तरह की वैल्यू लानी है ना, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इस तरह ब्रेक करेंगे कि देखें जो वैल्यूज आपको याद होती है, जैसे कि 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो आप अपनी मर्जी से ब्रेक कर सकते हैं। तो मुझे जो इजीली ब्रेक करना लग रहा है वो आप खुद नोटिस करें, 45 और 30 डिग्री है ना, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। आप लोग चाहे 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री में ही ब्रेक कर सकते हैं। अगर मैं इसको वापसी ऐड करूंगी 75 बन जाएगा, सही बोल रही हूँ ना। तो बस मैंने इस तरह किया, और आप आपको पता है इसमें तो फॉर्मूला ही अप्लाई होगा, फॉर्मूले के बगैर तो नहीं होगा। कौन सा? कॉस अल्फा प्लस बीटा, स्क्रीन पर आपके फॉर्मूलाज नजर आ रहे होंगे, तो मैं लिख रही हूँ उनमें से फॉर्मूला, कॉस अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला तो मुझे लिखना ही पड़ेगा, या ना लिखूं समझ जाएंगे आप लोग, नहीं ना, तो आप लोग को समझाना मेरे लिए जरूरी है। साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है, अब जहां अल्फा है ना वहां 45 डिग्री, सही है, कॉस 45 डिग्री, और जहां है बीटा वहां 30 डिग्री, ओके 30 डिग्री, देन साइन अल्फा, तो जहां साइन अल्फा है यहाँ वहां पर फिर 45 डिग्री, एंड जहां साइन बीटा है 30 डिग्री। अच्छा एक बात बताऊं, अगर ये फॉर्मूला सबको याद करने ना, आपको प्रैक्टिस करते करते सॉल्व करते करते ही याद हो जाएंगे, ये कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं होती। अच्छा अब जब बाकी का क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व करूँ, लेकिन पहले लाइन ड्रॉ करूँ, अच्छा नहीं करती लाइन ड्रॉ। अब कॉस 45 डिग्री का क्या आया मेरे पास, आ रहा है वैल्यू, कॉस 45 डिग्री आई है 1/√2, ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम, नजर सही नहीं आ रहा, ठीक है, 1/√2, एंड कॉस 30 आया है हमारे पास, चलें ब्रैकेट में लिखते हैं इसको, कॉस 30 आया है √3/2, ओके। फिर साइन कौन सा, माइनस, तो मैंने भी माइनस लगा दिया। फिर साइन 45 डिग्री जो है वो आया है 1/√2, एंड साइन 30 डिग्री है 1/2। अच्छा ये तो आपको याद भी होंगे, इसको याद करने का भी एक तरीका मैं बताऊंगी आप लोग को, बहुत सिंपल सा तरीका होता है, मैंने तो ऐसे ही याद किए थे, ठीक है, लेकिन कैलकुलेटर से भी ऐसा आंसर आ जाएगा, मतलब याद करना कंपलसरी नहीं है। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो क्या हो जाएगा, √3 ही होगा, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 होगा, ये तो आपको पता है ना मल्टीप्लीकेशन के रूल्स, 1 1 ज़ा 1 ही होगा, और ये होगा 2√2। यस, एलसीएम करना हुआ आसान, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, यस। तो अब हम क्या करें, ये मेरा करना देखिए, चलो खैर आपको पता है डिनोमिनेटर सेम हो तो हम एक ही जैसा यूं करके लिख सकते हैं, और नॉमिनेटर को भी इस तरह लिख सकते हैं जैसा वो लिखा हुआ है, कर सकते हैं ना। और देखिए ये रहा आपका आंसर बिल्कुल मैच, यस, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लिख कर प्रूफ लिख कर ये फॉर्मेलिटी में करने वाले हैं, ठीक है। आप लोग भी इस तरह लिख दीजिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, और ये आपने वेरीफाइड, अच्छा प्रूफ नहीं लिखना चाहिए था मुझे, वेरीफाइड लिखना चाहिए था, चलें ठीक है। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, चलें भाई अब पार्ट 2 कर लेते हैं, है तो इजी, फॉर्मूला यहाँ पर है, ठीक है, इस बार इसको करके सॉल्व 1/2 लाना है, चलें कोई नहीं, ठीक है, चल पिल। चलिए देखें फॉर्मूला आपके सामने नजर आ रहा है ना, कॉस अल्फा प्लस बीटा का भी, कॉस अल्फा प्लस बीटा में क्या होता है कि, अच्छा पहले लेफ्ट हैंड साइड तो लिख, जल्दी किस बात की है मुझे, ये मैंने लिख दिया टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को मैंने कर लिया कॉपी, क्योंकि सॉल्व जिसको करना है तो कॉपी भी तो करना है। खैर ये हो गया बहुत बेकार आवाज, खैर कॉस 180 डिग्री एंड -45 डिग्री, ओके। अब आपको पता है कि इस पर लग रहा है कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, इस पर लग रहा है कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, तो ठीक है मैं अप्लाई कर देती हूँ,
कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है कॉस कॉस साइन साइन, लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, है ना। तो कॉस अल्फा बोले तो 180 डिग्री, एंड इसी तरह कॉस दोबारा लेकिन 45 डिग्री, फिर साइन 180 डिग्री एंड साइन 45 डिग्री। फिर अब इस पर अप्लाई, यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस है तो यहाँ फॉर्मूले में प्लस होगा, बाकी फॉर्मूला सेम कॉस कॉस साइन साइन, तो इसका मतलब कॉस 180 डिग्री सॉरी कॉस 45 डिग्री, और यहाँ पर भी साइन 180 डिग्री और साइन 45 डिग्री। कॉस वाला फॉर्मूला तो आप लोग को याद हो ही गया होगा, इतना सेम है कॉस कॉस साइन साइन, अल्फा बीटा, और अगर प्लस है तो आपने माइनस का साइन लेना और माइनस है आपने प्लस का साइन लेना, इतना इजी। चलें भाई अब कॉस 180 वाला को याद है, नहीं याद होगी, अच्छा याद कर ले तो अच्छा है, कैलकुलेटर में नहीं चेक करना पड़ता, इजी है इनकी वैल्यूज। तो कॉस 180 जो है वो -1 के बराबर होता है, और आपको प्रैक्टिस भी चीजों को ना याद करवा देगी आप चाहेंगे तो, ठीक है। और कॉस 45 डिग्री होती है 1√2, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। साइन 180 होता है 0 एंड साइन 45 होता है 1√2, सही है। इसी तरह ब्रैकेट क्लोज, अब साइन कॉस 180 और ये सब तो सेम सेम ही होगा ना, बस साइन का फर्क आएगा, तो मैं जिस जैसा यहाँ लिखा है ना बिल्कुल वैसा ही लिखूँ जैसा यहाँ लिखा है, सही। 1√2 एंड 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 माइनस की जगह प्लस, और यहाँ पर 0 और 1√2। वैसे तो आपको दिख गया होगा अगर 0 वाली वैल्यू है वो 0 हो जानी है, ऐसा ही है, ठीक है। तो कर देंगे को 0 तो मसला नहीं, माइनस प्लस माइनस माइनस 1/√2, ठीक है, ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, तो उसको लिखें ही नहीं और इसको ऐसे ही कर दें, और यहाँ पर भी ये वाली वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, तो सिर्फ इसको लिखें -1/√2। अब इनको कर दें मल्टीप्लाई, तो 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस कैंसिल, और √2 √2 आपको पता है कि √2 है, तो 2 और 2 इस तरह मल्टीप्लाई होगा जो पेयर बन के बाहर, तो इसका मतलब 2, ठीक है। और ये रहा आपका आंसर, प्रूफ या वेरीफाई होना ना, वेरीफाई हो गया। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कुछ नहीं वैसे लिख रही, मैं लिख रही हूँ वेरीफाइड, समझ में आ गया होगा ना आपको। स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। अभी तक के लिए तो बस इतने ही क्वेश्चन मैं करा पाई हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं फर्दर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप लोग को सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।